अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अल्फाज, जुलेखा किचन से। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ मालूम है? बर्न्ड गार्लिक चिली फ्राइड राइस, चिकन का। हाँ, चिकन का बहुत ही मजेदार बनता है, क्विकली बन जाता है। ऑब्वियसली इंडो चाइनीज रेसिपी है ये। और दूसरी बात ये, जिसे अब हम ये जो बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस हो गया या कोई भी तरीके के फ्राइड राइस हो जाते, तो सादे वाले में नहीं, लेकिन दूसरे वाले जो होते हैं फ्लेवर वाले, उनमें क्या करते हैं हम शेजवान चटनी डालते हैं। बट इस बार मैं शेजवान चटनी नहीं डाल रही हूँ, इनफैक्ट कलर का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो भी आपका थोड़ा सा रेड होगा। अब यहाँ पर मैं लाल मिर्चियां, मतलब सूखी हुई लाल मिर्ची को पीस कर और वो उसको डाल रही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, एक मिनट, कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगना है, कुछ नहीं है। थोड़ी देर भिगा के रखे, उसे पीस के बस उसमें डालना है, फ्लेवर भी बढ़िया आएगा, डिफरेंट आएगा और लाल कलर भी आएगा आपका। और तीसरी बात, आपको शेजवान का फ्लेवर भी नहीं मिलेगा और थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा, तो बढ़िया मजा आएगा और कलर डालने की भी जरूरत नहीं। मैंने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा है मिर्ची के डालने के ऊपर, बट आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम स्पाइसी चाहिए था। अगर आपको वाइब्रेंट रेड करना है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं मिर्ची चटनी, सॉरी चटनी नहीं, चिली पेस्ट। तो चलिए देखते हैं साधारण इंग्रेडिएंट्स, मतलब ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले एक प्याले के अंदर दो अंडों को डाल दीजिए तोड़कर, और इसमें डाल दीजिए नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डालकर बहुत अच्छे से फेंट लीजिए। एक कढ़ाई साइड पर रखिए, उसके अंदर असली घी डाल दीजिए एक से दो टेबल स्पून जितना भरकर। जब अच्छा गर्म हो जाए तो ये जो हमने फेंट के अंडा रखा है वो डाल दीजिए, और इसे फास्ट आंच पर बहुत अच्छे से पकाए और स्क्रैम्बल करते जाए। इस तरीके से आप इसे स्क्रैम्बल कर देंगे और एक से दो मिनट में तो अंडा पक जाएगा। जब अंडा पक जाए तो इन्हें सारों को निकाल कर एक प्लेट में साइड पर रख दीजिए। दूसरा स्टेप कर लेते हैं, थोड़ा सा तेल फिर से वही कढ़ाई में डालिए। या साइड पर मैंने 150 से 200 ग्राम की चिकन ली है बोनलेस, इसको इतने छोटे छोटे पीस किए, दो तीन पानी से धो लिया, चर्बी निकाल ली है, और ये वैसे थाई पोर्शन है, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम फास्ट चूल्हा रखिएगा, अब इसमें डाल देते हैं एक छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। डालकर फास्ट आंच पर लहसुन को आधे से एक मिनट तक फ्राई कीजिए। जब फ्राई हो जाए तो ये जो हमने चिकन को काट के रखा है बारीक, उसे डाल दीजिए और उसे भी फ्राई कीजिए। तकरीबन समझिए ना, हमें इसे 7 से 8 मिनट तक मीडियम आंच कर दीजिएगा चूल्हा, मीडियम आंच पर पकाना है, सो दैट चिकन भी पक जाएगी। इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, और चूल्हा मीडियम आंच करके इसे 7 से 8 मिनट तक पकने दीजिए। अच्छा, ये मैं फ्राई करके डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, गार्लिक की फ्लेवर भी आता है चिकन के अंदर, और थोड़ी सी क्रिस्पी बाहर से रहती है और अंदर से सॉफ्ट रहती है। बट अगर आप चाहें तो बॉईल करी हुई चिकन भी डाल सकते हैं, उस सूरत में ये जो है आप स्किप कर दीजिएगा स्टेप चिकन को फ्राई करने का। ये देखिए, पानी भी छूटा, पानी भी सूख गया, और ये आप देख सकते हैं तेल छूटने लगा, और 6 से 8 मिनट हो गई है, प्रॉपरली चिकन गल चुकी है, मैंने चेक कर ली। तब इन्हें मैं ड्रेन करके चिकन को साइड पर रख देती हूँ। बेशक इसमें लहसुन के जो पीसेस है वो भी शायद आएंगे, तो वो भी निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, नितार के निकालिएगा सो दैट तेल ना आए हमारे इसमें ना। 1.5 कप बासमती को मैंने आधे पौने घंटे पहले 3-4 पानी से धो लिया और साफ पानी में थोड़ी देर के लिए भिगाने रख दिया था, आधे पौने घंटे के लिए। अब एक बर्तन के अंदर यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे से नमक डाला, 1-2 टेबलस्पून तेल डाला, अच्छा उबाल खिला लिया। जब एक उबाल आ गया तो ये जो चावल है मैंने नितार कर सारे डाल दिए इसमें, और फास्ट आंच पर अब आप इसे पकने दीजिए। जैसे बिरयानी के लिए हम नमक ज़्यादा डालते हैं, वैसे इसमें भी आप नमक उसी हिसाब से ज़्यादा डालें कि चढ़ जाए नमक। और हाँ, लेकिन बिरयानी की तरह हम बिरयानी के चावल कच्चे रखते हैं, इसमें चावल कच्चे नहीं रखने हैं, इसमें आपको पूरी तरीके से पकाना है। जब अच्छे से पूरी तरीके से पक जाए, बार बार चेक करते रहिए, जब पूरी तरीके से पक जाए तो इन्हें चूल्हा बंद करके नितार कर इसे छन्नी के ऊपर साइड पर रख दीजिए। चलिए, ये आप देख सकते हैं ये सारी प्रिपरेशंस हो चुके हैं। ये चिकन है जो अभी हमने फ्राई किया है, ये लहसुन है बराबर में रखा हुआ, ये बारीक कटा हुआ अदरक है, ये है अंडे, और वो सारे सॉसेस हैं, और ये सब्जियां हैं जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक काट कर शिमला मिर्ची रखी है पीली और लाल, ये जुकीनी है येलो और ग्रीन वाली,
और बराबर में जो रखी है वो हमारी स्प्रिंग ऑनियंस की दो प्याज है उसे बारीक काटी, बाकी सारी चीजों को मैंने बारीक काटा है, और वो तीन चार साबुत लाल मिर्चियां हैं। वैसे सब्जियां जो मैंने ली हैं वो आधी आधी ही ली हैं, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और मैंने बारीक काटी है। आधे पौने घंटे पहले मैंने 5-6 सूखी हुई लाल मिर्ची को पहले बीच में से तोड़ा, सारे मिर्ची निकाल दिए और उन्हें थोड़े से पानी में भिगा के रख दिया था। अब आधा पौना घंटा हो चुका है, मिक्सर जार के अंदर डालकर थोड़ा ये जो पानी था वही डालकर इसे बहुत अच्छा इस तरीके से पेस्ट बना लीजिए और इसे भी साइड पर रख दीजिए। तो ये हमारा मेन पेस्ट बन गया ना। वही सेम कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। ये जो आप देख सकते हैं ना नीचे, ये लहसुन है, ये जो लाल करा हुआ लहसुन है, तो इससे बढ़िया और टेस्ट आएगा, तो इसे रहने दीजिए। इस पर थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें 4-5 साबुत लाल मिर्चियों को डालकर, आप चाहे तो तोड़कर भी डाल सकते हैं, मिक्स कीजिए तेल में और इसे अच्छा लाल हो जाने दीजिए। नॉर्मली हम जो 10 सेकंड के लिए रखते हैं उतना नहीं, उससे ज्यादा रखना है, अच्छा ज्यादा लाल कीजिए, सो दैट ये बर्न्ड चिली का फ्लेवर आएगा। जब अच्छा लाल हो जाती है तो 1.5 टेबल स्पून जितना बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। वैसे हम ज्यादा टाइम फ्राई करते हैं, बट मेरी पतीली और बहुत अच्छी गर्म हो गई है और तेल अच्छा गर्म है, तो मैंने सिर्फ 10 सेकेंड फ्राई किया लहसुन को। और अब डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून भरकर ये जो चिली पेस्ट, स्लो कर दीजिए चूल्हे को और इसे फ्राई कीजिए। ये चिली पेस्ट को ना तकरीबन आधे 1 मिनट तक फ्राई कीजिए, या तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये जो तेल है ना वो नहीं छूट जाता, तब तक। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए इस समय, और मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा चिली का जो फ्लेवर है वो आहिस्ता आहिस्ते बढ़ा रही हूँ, तो यहाँ आधा टेबल स्पून मैंने और डाला है, चूल्हा स्लो पर ही है, और इसे तकरीबन मैं पकने देती हूँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। अच्छा, आप चाहें तो मीडियम आंच भी रख सकते हैं, पर मेरी पतीली बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी है। चलिए साइड बाय साइड, ये जब अच्छा तेल छूट जाता है तो यहाँ पर मैंने है ना थोड़े से बेबी कॉर्न्स जो है उसे मैंने बारीक काट कर वो डाले हैं और इसे भी इसके साथ फ्राई कर रही हूँ आधे 1 मिनट तक, स्लो आंच पर ही रख रही हूँ। थोड़ा तेल मुझे कम लग रहा है तो मैं और डाली हूँ। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ा सा इसे बॉईल कर कर डाल सकते हैं हाँ, बेबी कॉर्न्स को मैंने बॉईल नहीं किया, यहाँ 1 मिनट तक 2 मिनट तक फ्राई किया तो पक गई है एज इट इज। अच्छा, अब मैं ये सारी सब्जियां डाल देती हूँ जो मैंने आपको सारी बोली थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी डाल दीजिए और चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए सारी सब्जियों को, और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इन्हें मीडियम आंच पर पकने दीजिए, क्योंकि क्या थोड़ी क्रंची रहेगी, मुंह में आएगी तो मजा आएगा ना हमारे फ्राइड राइस का, बार बार चलाते रहें कि नीचे चिपके ना। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। अब यहाँ डाल दीजिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर, ये भी डाल दीजिए, और ये 3/4 छोटा चाय का चम्मच शक्कर है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मिक्स कीजिए और इसे बहुत अच्छे से जब मिक्स हो जाए, मुझे थोड़ा सा मिर्च और कम लग रही है, चूल्हा मीडियम पर है, मैंने 1 टेबल स्पून और डाला है। अब यहाँ पर ना ये जो चिली पेस्ट हमने बनाया है ना, मैंने तकरीबन अभी आपने देखा 3.5 टेबल स्पून डाला है, बट आप अभी भी गुंजाइश है आप मिर्च ज़्यादा बढ़ा सकते हो, मुझे थोड़ा कम रखना है इसके लिए मैंने 3.5 टेबल स्पून डाला है। चलिए 1-1.5 मिनट हो चुके हैं मीडियम आंच पर, तो अब मैं ये चावल डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और ये जो चिकन है ये सारी डाल दीजिए साइड पर रखी हुई तेल वेल के साथ, और ये जो हमने अंडा फ्राई किया था स्क्रैम्बल्ड एग भी डाल दीजिए, और इस सारी चीजों को मीडियम आंच रखिए और अच्छे से मिक्स कीजिए, बहुत अच्छे से टॉस कीजिए, हल्के हाथ से करना है कि हमारे चावल टूटे ना, इसका भी ध्यान रखना है। अच्छा टॉस हो जाए तो फिर से बाकी के थोड़े चावल जो बचे हैं वो डालिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते जाइए। कुछ कम लगे तो आप इस समय एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे कुछ कम नहीं लग रहा है तो मैं एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, अच्छे से टॉस करके थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियंस बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा टॉस हो जाता है तो चूल्हे को कर देती हूँ बंद और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ। स्पाइस कम लगे तो चिली पेस्ट आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, उसमें और वाइब्रेंट कलर भी आएगा और टेस्ट भी आपका एडजस्ट हो जाएगा, सॉसेस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, और हाँ अगर ज़्यादा स्पाइस हो जाए डरने की बात नहीं है, पहले ही चख लीजिएगा जब वो लिक्विडी फॉर्म में हो, तो थोड़े से शक्कर ज़्यादा डाल दीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा टेस्ट। तो चलिए बन चुका है हमारा, ये था बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस, बढ़िया मज़ेदार सा बना है चिकन वाला। हाँ मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ चिकन के पीस के साथ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जो चिकन है उसे बॉईल ना करके इस तरीके से आप फ्राई करके डालोगे ना, उसका जो टेस्ट है और एनहांस हो गया। दूसरी बात, हम शेजवान चटनी का इस्तेमाल करते हैं, ये 2 मिनट का काम था, सिर्फ मिर्चों को पीसना था, उससे कितना डिफरेंट फ्लेवर आया। नहीं तो हम जब ये बनाते हैं और शेजवान चटनी डालते हैं तो आपको एक शेजवान का टेस्ट आता होगा, राइट? इसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा है, तो बहुत ही अलग लग रहा है, मजा आ रहा है खाने के लिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो बनाए, टैग करें इंस्टा के ऊपर मुझे, और इंस्टा आईडी तो आपको मेरा पता होगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय बर्नड गार्लिक चिली फ्राइड राइस चिकन का।